अपने डेक की तरफ, जहाँ पर एक पूल है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अभी ये खाली है। वैसे तो समर्स टाइम है, तो ऐसी समर्स के अंदर सामने सीट्स हैं। इस तरफ आपको एक बड़ा सा स्क्रीन नज़र आएगा, और आपके सीट्स के बैक साइड पे आपके लिए बेड्स भी। और ये हमारी ऊपर के फ्लोर की बालकनी, ऊपर टेरेस, जहाँ पर आपके लिए बैठने के लिए एक अलग चीज़ आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो आपके घर के अंदर आपकी अपनी जिम भी है, तो एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर हर चीज़ आपको पूरी और प्रॉपर। दोस्तों, मैं गुरविंदर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल बास्ट्रैक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों, आज जो हम घर देखने जा रहे हैं, एक सिर्फ लग्जरी नहीं, एक सुपर लग्जरी सेगमेंट का घर आप देखने वाले हैं, और न्यू चंडीगढ़ की लोकेशन आपके रहने वाली है, और एरिया भी बहुत पॉश है, साफ़ सुथरा एरिया, पूरा डेवलप एरिया, और आपका घर बेहद शानदार। तो दोस्तों, बिना टाइम बजाया करें हम शुरू करते हैं घर की कहानी। तो दोस्तों, आज जो आप घर देखने जा रहे हो वो आपका सुपर लग्जरी सेगमेंट के अंदर आपका आने वाला है, जहाँ पर हमें 45 फीट का एक वाइड फ्रंट मिल जाता है। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक तरफ गार्डन आपके लिए क्रिएट किया है, और गार्डन के साथ जो आपकी वॉल है उस वॉल के ऊपर भी हमने एक अलग से आर्किटेक्ट का डिज़ाइन यहाँ पर पूरा डिज़ाइन किया है। दोस्तों, जितनी खूबसूरती आपको घर के सामने यहाँ पर नज़र आ रही है, इतनी ही खूबसूरत आपको जो पूरा एरिया यहाँ पर नज़र आने वाला है, क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पर बेशुमार मिलने वाली है। एरिया पूरा अच्छे से डेवलप हो चुका है, आसपास के घर पूरे रेडी हैं, और घर जो है आपका भी बिल्कुल रेडी है। एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं और एक सुपर लग्जरी घर की आप तमन्ना रखते हैं, तो घर आज का बिल्कुल आपके लिए। इसके अलावा अगर आप घर के बारे में सोच रहे हैं, या कई बार इंटीरियर के बारे में भी सोचते हैं, तो आज का घर देखने के बाद आप वाकई अपने घर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां करने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और दोस्तों, यहां से हमारा जो है रैंप एरिया शुरू हो जाता है, जहां पर सारा का सारा ग्रेनाइट आपको मिलने वाला है, और प्लस यहां पर हमारा जो है मेन एंट्रेंस डोर रहेगा, और जो कि आयरन है, और ये स्लाइडर्स हैं, और यहाँ पर आपका जो गेट है वो रिमोट के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी हो जाती है। काफ़ी वाइड गेट है, काफ़ी बड़ा है, और डिज़ाइन आप देखेंगे बिल्कुल आयरन है। आयरन के बीच में आपको वुडन क्लैडिंग यहाँ पर मिलने वाली है, जिसके लुक्स आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, और ये तालमेल जो आपको अंदर भी पूरा ऐसे मिलने वाला है, जिसके साथ आपके घर की जो लुक्स है वो काफ़ी कुछ अलग हट के नज़र आएंगी आपको। तो दोस्तों, यहाँ से जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं, तो आपको बिल्कुल एक बड़ा सा आपका पार्किंग एरिया आपको मिलेगा, या फिर पॉश एरिया मिलेगा। इजीली आपके घर के यहाँ पर आपके तीन गाड़ियाँ आपके लग जाएंगी, तो क्योंकि बड़ा घर है तो एक बड़ा सेगमेंट है, तो हमारे पास दो या तीन गाड़ियाँ होना तो एक नॉर्मल सी बात है, तो वो बड़े आराम से आपके यहाँ पर अंदर लगने वाली हैं। तो जब यहाँ की तरफ हम देखते हैं, तो आपको एक टोन मिलेगा नीचे से ऊपर तक, बिल्कुल वाइट टोन के साथ आपको ये साइड पूरी मिलने वाली है, जहाँ पर लैंप्स आपको साइड्स पे मिलेंगे। बिल्कुल डे टाइम है, बिल्कुल सनी डे है, जब आप शाम को इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो इसका व्यू होता है वो बिल्कुल अलग आपको नज़र आने वाला है। और इसके बाद हमारी जो ये एरिया आ जाता है इसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ आपको देखेगा बिल्कुल चॉकलेट कलर आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, स्ट्रिप्स और डिज़ाइन आपको नीचे की तरफ नज़र आए होंगे, बीच में आपको कुछ ब्लैक शेड नज़र आएगा जो लुक को बिल्कुल अलग बना देता है। एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हर चीज़ बिल्कुल अलग ही आपको नज़र आती है, वो बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और इस थोड़े से एरिया के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने ग्रीनरी को हर जगह मेंटेन करनी है, कि कहीं भी कहाँ भी हमें जगह मिलती है तो हम छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर रखते हैं, तो छोटे मोटे ऐसे फ्लावर पॉट्स जो अपने घर के अंदर भी रखें, यहाँ हल्की फुल्की ग्रीनरी करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस डोर है, तो यहाँ पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ भी घुमा देता हूँ। तो गार्डन एरिया हम आपको अंदर भी दे रहे हैं, चाहे काफ़ी अच्छा खासी स्पेस आपको मिल जाती है, तो पूरी प्रॉपर ग्रीनरी हमने अपनी तरफ से मेंटेन की है। और जब हम इस तरफ नज़र घुमाएंगे आपके गार्डन के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर आपको एक बड़ी सी विंडो मिलेगी जो कि फुल साइज़ है, और बिल्कुल टेम्पर ग्लास आपको, टफन ग्लास आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, सेंसर्स आपको पूरे मिलेंगे, हर विंडो आउटर विंडो के साथ आपको जो है सेंसर यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे। तो लुक्स आप देख रहे हैं बिल्कुल साइड से अलग नज़ारा आपको मिलने वाला है। और यही चीज़ जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे देखते हैं, तो आपको वहाँ भी एंगल के साथ एक अच्छा डिज़ाइन मिलता है, बीच में आपके जो कंसील लैंप्स हैं जिनके साथ लुक्स और बढ़ जाती हैं। तो आते हैं हम अपने बिल्कुल मेन डोर की तरफ, आप देखें दो स्टेप्स हैं, जहाँ पर नीचे आपका बिल्कुल इटालियन मार्बल आपका लगा हुआ है, और यही कंटिन्यू होगा पूरे घर के अंदर आपका अंदर की तरफ। और यहाँ पर आ गया हमारा मेन एंट्रेंस डोर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल 10 फीट की हाइट का है। यूजली जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर आपको 8 फीट की हाइट के मिल जाते हैं दरवाज़े, जहाँ पर हम कहते हैं कि 8 फीट की हाइट है, 4.25 फीट की विड्थ है, लेकिन यहाँ पर आपका दरवाज़ा ही 10 फीट का है, तो आप रूफ़ का हाइट जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जब सेगमेंट अलग हो जाता है तो चीज़ें बहुत सारी अलग यहाँ पर हो जाती हैं। और मेन एंट्रेंस डोर जो वो काफ़ी हैवी है,
टेक वुड आपकी पूरी यूज़ की गई है, उसके अंदर काफ़ी नैनो कोटिंग आपको मिलने वाली है, बिल्कुल अलग चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो चलिए ओपन करते हैं और बढ़ते हैं अंदर की तरफ। डिजिटल डोर लॉक, और जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारा एक झूमर हमारे सामने है। तो काफ़ी ग्रैंड एंट्रेंस है, काफ़ी अच्छी एंट्रेंस हमारे पास यहाँ पर मिल जाती है, और बिल्कुल सामने जो है हमारा सारा का सारा इटालियन मार्बल आपको मिलेगा। और एंट्री करते जब हम इस वॉल की तरफ हम नज़र घुमाते हैं तो यहाँ भी आपके सामने जो है आपके वेलकम के लिए एक अच्छा ऑर्नामेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला, सेम ऐसा नीचे आपको मिल जाएगा। और पाउंडर रूम हमने एक तरफ यहाँ पर रखा हुआ बिल्कुल एंट्रेंस पर ही। और ठीक इसके दूसरी तरफ जो है आपका जो ड्राइंग एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ड्राइंग एरिया की एंट्रेंस आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको टफन एंट्री आपको मिलेगी, जो कि बड़े बड़े गेट्स आपको यहाँ मिलेंगे, बड़े बड़े हैंडल्स आपको पूरे मिलते हैं, जहाँ बीच में आपको रोज़ गोल्ड है और ऊपर यहाँ जो है आपका टीक वुड के हैंडल आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं अपने सीधा ड्राइंग एरिया के अंदर। तो अंदर आते ही हमारे मन के अंदर कई सारे विचार आते हैं, बड़े सारे सारी ख्याल आते हैं कि यार क्या क्या काम यहाँ पर किया हुआ है, बिल्कुल अलग चीज़ आपको यहाँ मिलती है। डी डिकोर की तरफ से इसको डिज़ाइन किया गया, आप देखेंगे जो फ्लोरिंग है आपकी सारी यहाँ पर जो आपको है नीचे कारपेट आपको पूरा मिलने वाला है एज टू एज। बड़े बड़े कर्टन्स आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल सीलिंग की हाइट के आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बिल्कुल 22 फिट का रहने वाला, 22x16 आप अगर इस तरफ देखेंगे तो इसकी जो मेन वॉल है यहाँ पर आपको एक 3D वॉलपेपर आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल अलग लुक्स के साथ आपको यहाँ मिलता है। सीलिंग की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक बिल्कुल अलग चीज़ मिलती है। और जो आप फर्नीचर यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल इंपोर्टेड फर्नीचर है, ये बिल्कुल टर्की से इंपोर्ट करवाया गया है, जहाँ पर बीच में आपके सेंटर टेबल्स भी आपको मिल जाते हैं और अलग से आपकी जो सीट्स हैं वो पूरी प्रॉपर मिल जाती है। ये 6+2 है तो आपका 8-सीटर आपको पूरा प्रॉपर मिलता है। और आप यहाँ पर मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर इतना सीटर लगा सकते हैं इतना लगा सकते हैं, क्योंकि जो जगह वो बिल्कुल आपके सामने 22 फिट की जगह जो होती है नोजली हमारे घरों के अंदर है पूरे प्रॉपर एक बड़े ड्राइंग डाइनिंग की हो जाती है, लेकिन यहाँ अकेला आपको ड्राइंग एरिया मिल रहा है। तो बड़े आराम से यहाँ पर चीज़ों को आप सिर्फ यूज़ नहीं करेंगे, उनका पूरा मज़ा लेने वाले हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इस तरफ जो है आप एक पार्ट आपको जो है बिल्कुल वुडन पॉलिश के साथ आपका कवर किया गया, जो लुक आपके बिल्कुल अलग दे देता है। और कुछ चीज़ें आपके घर के अंदर बिल्कुल हाईटेक होने वाली हैं, जो शुरू से लेकर आप देखेंगे कि जैसे कि एक नॉर्मल घर के अंदर हमने कभी होम थिएटर की कल्पना भी नहीं की होगी, वो आपको यहाँ पर पूरा मिल जाता है। एक अलग लेवल का होम थिएटर, ब्लेड्स आपको स्नूकर आपको यहाँ पर मिल जाती है, और टच पैनल्स आपको यहाँ पर पूरे मिलने वाले हैं। तो लेवल बिल्कुल अलग होने वाला है यहाँ पर घर का, आज के घर का। और जैसे मैंने कहा था कि आप घर को देखते देखते आपके मन के अंदर एक विचार आएगा कि आज का घर जो है इसे देख के हम अपना घर जो है उसको अपडेट कर लें या थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, वो बिल्कुल आपके मन में फीलिंग आएगी। और ठीक यहाँ पर दोस्तों आपके घर में आपकी अपनी लिफ्ट रहेगी, ट्रिपल स्टोरी आपका घर है, तो आप घर में ऊपर नीचे जाने के लिए, मज़े लेने के लिए, अपने घर को पूरा इंजॉय करने के लिए आपको हर चीज़ वहाँ पर दी गई है जो यूजली हम सिर्फ सोचते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमने छोटी सी ये पार्टीशन आपके ग्लास पार्टीशन यहाँ पर की है, जहाँ से आपके घर का एरिया आपका शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक तरफ किचन है और दूसरी तरफ आपका डाइनिंग एरिया। तो पहले हम डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं जो बिल्कुल अलग ही लुक्स के साथ आपको मिलता है। अगेन हमारे पास स्पेस तो अच्छी है, बिल्कुल डबल हाइट सीलिंग हमें यहाँ पर मिलती है, 16x15 की स्पेस हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है। और अगेन जितना आप मटेरियल यहाँ पर ये देख रहे हैं सारा का सारा ये टर्की से इंपोर्ट करवाया गया है। 8-सीटर आपका यहाँ पर रखा है, यूजली 6-सीटर्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब बड़े घर की बात आती है तो हमारी फैमिली भी कई बार बड़ी होती है तो वहाँ पर गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, वहाँ पर चीज़ें पूरी होती हैं, पूरी से ज़्यादा मिलती है। और जब हम सुपर लग्जरी की बात करते हैं तो वहाँ पर काम जो होता है वो A1 क्वालिटी का ही होता है। तो यह चीज़ जो हमारी बिल्कुल इटालियन से मंगवाई गई है, इसके नीचे आपको कारपेट भी यहाँ पर मिलेगा और ये फुली फर्निश्ड है, जैसी चीज़ें जो चीज़ आपको दिख रही है वो सारी की सारी एज इट इज़ मिलने वाली है। अलग लेवल का एक आपको जो है शैंडलियर यहाँ पर मिलेगा और रूफ़ की तरफ जाता है, एक अच्छा डिस्क्राइब करती है रूफ़ आपका अगर ऊपर की तरफ नज़र घुमाएंगे।
और उसके बाद एक अलग लेवल का काम आपको बताता हूँ जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। जब जब आर्किटेक्ट का माइंड होता है वो यहाँ से समझ आता है कि आप देखें घर के अंदर आपके लिए ग्रीनरी तो यहाँ पर रखी गई है और एक वॉल है जिसको नीचे से ऊपर तक पूरा रखा गया और ऊपर से आपकी सनलाइट जो है वो पूरी आती है, तो सनलाइट भी पूरी घर के अंदर दी है और एक अलग लुक भी आपको यहाँ पर पूरी मिल जाती है। तो दोस्तों जब चीज़ों को बिल्कुल अलग लेवल से डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग निकल के ही सामने आती हैं। दोस्तों स्टेयर्स हमने यहाँ पर अंदर से रखी हैं ताकि आपके अगर जॉइंट फैमिली है तो पूरी यहाँ पर एंजॉय कर सके, पूरे इस घर का पूरा मज़ा ले सके। तो हम जैसे एंटर किए थे तो हमने एक तरफ डाइनिंग एरिया देखा था, दूसरी तरफ हमने अपना किचन देखा था। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ जो कि बिल्कुल स्टेयर्स के आपके पास मिलने वाली है और इसको आपके ड्राइंग एरिया से थोड़ा सा हटके कर दिया गया ताकि आपकी जो फैमिली है वो अपना एंजॉय कर सके। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, कई बार हमें नहीं मन होता कि हम उस गेस्ट के साथ मिले जुले, तो वो चीज़ आपकी थोड़ी सी अलग यहाँ पर कर दी गई है। तो एंट्रेंस पे आप देखेंगे तो बिल्कुल एक अलग लुक आपको मिलेगी, बड़ी अच्छी एंट्रेंस आपको मिलेगी, बिल्कुल हाइट के साथ फ्रेम एक मिल जाएगा। उसके साथ आपको देखेंगे वॉल के ऊपर एक अच्छा अलग टेक्स्चर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों बता दूँ आपके पूरे घर के अंदर CCTV कैमराज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपके घर का या घर के बाहर का व्यू, हर कॉर्नर का व्यू आपको यहां से मिलने वाला है और एक खूबसूरत किचन बिल्कुल आपके सामने है जहां पे आपका कुकटॉप बीच में आ जाएगा। उसके साथ सबसे पहले आपका जो है ब्रेकफास्ट टेबल आपको नज़र आने वाला है, एक अलग लेवल का काम जिसे कहते हैं वो आपको यहां पर नज़र आता है। वॉल हैंगिंग आपको चिमनी यहां पर मिलेगी, सॉरी रूफ सीलिंग हैंग। पंद्रह बाय 16 की हमारी किचन यहाँ पर रहने वाली है। कैफ की तरफ से आपके सारे तकरीबन सामान यहाँ पर मिलने वाला है। एक खूबसूरत वे के साथ आप देखेंगे पूरे काउंटर को यहाँ से वहाँ तक डिज़ाइन किया गया है। और इस काउंटर के साथ अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको जो है टास्क लैंप्स बिल्कुल नज़र आने वाले हैं ओपन। आपके जो है कैबिनेट्स और कवर्ड कैबिनेट्स बिल्कुल दोनों ही तरह के आपको मिलेंगे और एक अलग फिनिशिंग आपको यहाँ पर जो है वो मिलती है। यूजली हम देखते हैं कि ग्लॉसी है या फिर मैट है, लेकिन यहाँ पर मैट जो है वो एक अलग लेवल का है, वो टच करते थोड़ा हल्का सा वेलवेट वाली फीलिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है, हटकर होती है, लेवल अलग हो जाता है, लेकिन चीज़ का अंदाज़ और उसका मज़ा भी अलग हो जाता है। तो बड़ी किचन है तो आप देख सकते हैं घूमकर हर तरफ आ रही है। तो हर बार हमने जो है यहाँ पर कुकिंग नहीं करनी होती, इसलिए हमने AC भी यहाँ पर लगाया हुआ है। एक छोटा सिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो कुकटॉप आया हुआ यहाँ पर आ जाएगा जो हम ऑलरेडी आपको लगा कर दे रहे हैं जो कि कैफ की तरफ से है। सेम ब्रांड की तरफ से आपको जो है यहाँ पर चिमनी ऊपर मिलेगी जो हमने शुरू में भी बात की थी। ड्रॉर्स आपको पूरे प्रॉपर मिलने वाले हैं, हर जगह पर मिलेंगे, काफ़ी बड़े बड़े हैं, हर लेवल के यार हर साइज़ के आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक वॉल आ जाती है जहाँ पर हमने आपके लिए जो है अलग से आपको स्टोरेज आप मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज आपको यहाँ पर इस किचन के अंदर मिल जाती है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी जो होती है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो मैक्सिमम स्टोरेज वाली किचन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इनबिल्ट हमने आपके लिए ऑलरेडी जो है कैफ की तरफ से माइक्रोवेव और OTG को हमने ऑलरेडी यहाँ पर फिट कर दिया ताकि आपको दोबारा से कुछ और सोचने की ज़रूरत ना पड़े। नीचे आपके लिए बास्केट्स रहेंगी, बकेट्स रहेंगी, जैसी मर्जी आप सब्जी जो है वो अंदर रख सकते हैं। और प्लस यहाँ पर आपका जो फ्रिज, इसको भी हमने इनबिल्ट यहाँ पर कर दिया है ताकि आपको आपकी किचन के अंदर एक भी चीज़ जो है वो अलग ना लगे, ये ना लगे कि बाहर से आई है। एक अच्छी फ्लोरिंग है, अच्छी किचन, एक अच्छा लुक आपको पूरी यहाँ पर मिलती है। अंदाज अच्छा हो किचन का तो कहाँ पर काम करने में भी मज़ा आता है। और आपके यूटेंसिल्स को धोने के लिए हमने जो है सिंक यहाँ पर अलग से रखा है, यहाँ पर आप हैंड वॉश कर सकते हैं या फिर अपने वेजिटेबल्स को साफ़ करना हो तो वो कर सकते हैं। RO आपको यहीं पे मिल जाएगा पॉइंट इसका, और अलग से आपको सिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने यूटेंसिल्स को बड़े आराम से धो सकते हैं। और यहीं पर आपके डक्ट रखी है जो कि सीधे ऊपर तक जाती है। तो वापस यहाँ से बाहर की तरफ आते हैं और चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। दोस्तों वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको चीज़ें वो दिखने वाली हैं जो आप सिर्फ इमेजिन करते हैं या कई बार हम इमेजिन भी नहीं करते। तो छोटा सा हमने ऑर्नामेंटल डिज़ाइन हमने यहाँ भी आपके लिए दिया है। तो लुक्स आपको पूरे घर के अंदर बिल्कुल अलग मिलने वाली है, एक अलग अंदाज़ की मिलने वाली है। और आपकी फैमिली एक जगह पर पूरा इंजॉय कर सके उसके लिए हमने आपके लिए लिविंग एरिया अलग से बनाया है।
तो एक अच्छा फ्रेम आपको यहाँ मिल जाएगा आपके लिविंग एरिया के एंट्रेंस के अंदर। और यहाँ पर एंटर करने से पहले आप देखेंगे आपके लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ आपके लिए छोटी सी प्लांटेशन हमने की है, इंडोर प्लांट्स हमने यहाँ पर लगाए हैं आपके लिए। तो ये चीज़ें आप जहाँ पर भी अभी रह रहे हैं तो वो भी वहाँ भी कर सकते हैं। तो करनी ज़रूरी होती है, चीज़ें अच्छी होती है, लुक आपको अपने आप अच्छी लगने लग जाती है अपने घर की। तो एंटर करें तो आपके सामने आपका लिविंग एरिया जो कि बिल्कुल अलग ही लेवल के साथ आपको मिलने वाला है। 23 फीट का आपका लिविंग एरिया रहेगा जहाँ पे 23x16 की आपके पास जो स्पेस आपको पूरी मिलने वाली है। एक अच्छे लेवल की सीलिंग डिज़ाइन आपको मिलेगी, प्रॉपर कंसील लैंप्स आपको मिलेंगे। और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ आपको सोफ़ा मिल जाता है जहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ अपने घर के अंदर पूरा मज़ा ले सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि जब आप मिलके यहाँ पर बैठते हैं और बैठने के बाद यहाँ पर अपने फेवरेट चैनल्स का पूरा मज़ा लेते हैं तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। और हमने इन सोफ़ाज़ को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, बहुत आदत होती है हमें टीवी देखते देखते लेट जाने की, खासकर जब मैच चल रहे होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको जो सोफ़ा है वो बिल्कुल बड़े अलग लेवल्स डिज़ाइन के आपको मिलने वाले हैं। ठीक आपके सामने जो है यहाँ पर सोफ़ा के सामने आपका जो है 65 इंचेस का आपको जो है सैमसंग की तरफ से LED पैनल आपको मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, जिसके पीछे एक अच्छा LED डिज़ाइन आपको मिलेगा, पैनल मिल जाएगा जहाँ पर एक अच्छी सनमाइका के साथ ऊपर से नीचे तक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्स की तरफ ध्यान देंगे तो आपको सीनरीज तो नज़र आएंगी, उसके पीछे एक पैटर्न आपको बड़ा अच्छा नज़र आएगा जहाँ पर डिको पेंट यहाँ पर किया गया है और तकरीबन सारा का सारा एशियन पेंट्स की तरफ से है। और यहाँ पर हमने जो है वुडन जो होती है वुड को डिज़ाइन करके यहाँ पर लगाया है, उसके बाद इसको एक अच्छा अलग रूप यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। बड़ी विंडो है तो कर्टन आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, आप देखेंगे पूरी विंडो को जो है कर्टन के साथ यहाँ पर कवर अप किया गया है। और घर के बैक साइड पे आपको जो है आपका पूल भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो कुछ चीज़ें होती कई बार हम सिर्फ मूवीज़ के अंदर देखते हैं लेकिन वो चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है आपका बार एरिया जहाँ पे हल्की सी पार्टीशन हमने यहाँ पर किया, जहाँ पर आप देखेंगे कटिंग आपको मिल जाएगी जो कि CNC कटिंग होती है, वहाँ पे डीको पेंट आपको मिल जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद आपका जो है एक अलग लाइट थीम, डिम लाइट थीम के साथ आपको जो है बार एरिया मिल जाएगा जहाँ पर अलग से 3 चेयर्स मिलेंगी, बार चेयर्स, और एक काउंटर टेबल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंक हमने आपके लिए यहाँ पर लगाया हुआ है जिसकी ज़रूरत तकरीबन यहाँ पर पड़ती है आपके बार एरिया के अंदर, और हर वो फैसिलिटी जिसकी आपको ज़रूरत होती है वो यहाँ पर आपके लिए दी गई है। और इसके अलावा अगर आप बार से बाहर का नज़ारा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको हम यहाँ पर पूरा देंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, इस घर के बस फर्स्ट बेडरूम की तरफ। और दोस्तों पूरे घर के अंदर सेंट्रलाइज AC आपको मिलने वाला है, प्रॉपर आपका घर जो है सेंट्रलाइज किया गया है। और यहाँ आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा जो कि 21 फीट का रहने वाला है, काफ़ी अच्छा खासा साइज़ हमें यहाँ पर बेडरूम का मिल जाता है क्योंकि 500 गज का घर हो, 1 कनाल का घर हो तो वहाँ पर बेडरूम साइज़ भी अच्छे होने चाहिए। फैसिलिटीज़ आपको A1 मिल रही हैं तो आपको एक बेडरूम्स को भी A1 डिज़ाइन ही मिलेगा। तो एक खूबसूरत बेड आपको मिल जाता है, बिल्कुल किंग साइज़ बेड आपके पास है। नीचे फ्लोरिंग सारी की सारी आपको वुडन मिलने वाली है और एक अलग लेवल की फ्लोरिंग आपको यहाँ पर देखने में मिलने वाली है। तो थीम यहाँ पर जो है वो ग्रे की रखी है, डार्क और लाइट ग्रे आपको मिल जाएगा। एक अच्छे अंदाज के साथ आपको बेड मिल जाता है, एक अच्छी बैक आपको बेड के साथ मिलती है, गोल्डन स्ट्रिप्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। बैक जो है आपकी वॉलपेपर के साथ आपकी मिलने वाली है और प्लस यहाँ पर दोनों तरफ जो है आपको पैटर्न मिलेगा, स्ट्रिप पैटर्न जहाँ पर आपके लैंप्स आपको लगे हुए मिलेंगे, प्लस वहाँ से एक डिज़ाइन है जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है जो चॉकलेट डिज़ाइन आपको मिल जाता है। तो लुक आपके बेड की या बेडरूम की पूरी अलग यहाँ पर नज़र आती है। और हमने यहाँ पर स्पेस आपके हिसाब से रखी है कि आप 2 चेयर्स और टेबल रख सकें, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि हम रखना चाहते हैं तो आराम से आप रख सकते हैं। और जब आप बेड पर बैठ जाते हैं
आपको लगता है कि हमने अपने बेडरूम में ही टीवी का मज़ा लेना है, तो उस वहाँ पर आपके लिए जो सामने की तरफ है एक अलग लुक्स के साथ आपका टीवी पैनल भी यहाँ पर बना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइल्स को एक अलग लेवल के साथ, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। प्लस नीचे आपके पास जो है स्टोरेज आपको पूरी प्रॉपर यहाँ पर मिलने वाली है। और जब आप सीलिंग की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको नज़र आएगा कि आपको स्टेप्स ऊपर नज़र आ रही हैं, जो कि आपके सेंट्रलाइज एसी की है। तो यहाँ से हवा जो है वो आपके पूरे घर के अंदर आने वाली है। विंडो आपको पूरे साइज़ की मिलने वाली है, बड़ी बड़ी विंडोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी एक अच्छे लेवल की। और हर रूम को यहाँ पर जो है डिज़ाइन किए करते हुए आपका टच पैनल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका वॉशरूम, और वॉशरूम से पहले आपका ड्रेसिंग एरिया, ये आपका ज़रूर मिलने वाला है। और जब लेवल प्रीमियम हो जाता है या सुपर लग्जरी हो जाता है, तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती है। आपके वार्डरोब जो है बिल्कुल अलग लुक के साथ मिलेगी, पूरा क्लोजेट आपको यहाँ पर मिलता है, नीचे से ऊपर तक मिलेगा, प्रॉपर स्टोरेज के साथ आपको मिलने वाला है। और इस ड्रेसिंग के साथ आपको बड़ा सा मिरर यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के साथ आपको मिलता है। और प्लस इसके साथ ही आपका वॉशरूम, जो कि एक बिल्कुल अलग लेवल के साथ, एक अलग डिज़ाइन के साथ आपको मिलता है। बिल्कुल एक आप देखेंगे, बिल्कुल आपको जो है टब यहाँ पर मिलने वाला है, बाथटब, जहाँ पर बड़े आराम से, मुझे लगता नहीं है कि आप यहाँ से बैठ गए तो एक बार निकलने का मन करेगा इसमें से। और सीट को हमने बिल्कुल अलग एक तरफ लगा दिया यहाँ पर। और प्लस इस तरफ जो है आपका वेट एरिया बिल्कुल आ जाता है, जहाँ पर आप शॉवर ले सकते हैं, किसी का पूरा मज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल सीलिंग पर आपका जो है शॉवर आपको मिलने वाला है, हैंड शॉवर आपको अलग से यहाँ पर मिल जाएगा। और टफन यहाँ पर लगाकर आपकी जो है इस एरिया को अलग कर दिया, ताकि ये एरिया जो है बार बार गीला ना हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंक मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ओवल शेप के अंदर है, एक अच्छे लेवल की आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी बाथ फिटिंग्स मिलने वाली हैं। तो लुक्स अलग है, लेवल अलग है, काम बिल्कुल अलग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ से थोड़ा फिर बाहर की तरफ आते हैं, और हम बढ़ते हैं दोस्तों बाहर की तरफ, बिल्कुल जो हमारा बैकयार्ड है। और दोस्तों अंदर या बाहर जितने भी दरवाजे आपको मिलेंगे, सारे टीक वुड के मिलेंगे और एक अच्छी हाइट के साथ मिलेंगे। एग्जैक्टली 10 फीट की हाइट आपको पूरी प्रॉपर यहाँ पर मिल जाती है। और आपके वुडन डोर और वायर मैश डोर दोनों ही आपको मिलते हैं। तो इस वायर मैश डोर को जैसे ओपन करते हैं, तो हम सीधा पहुँचते हैं अपने डेक की तरफ, जहाँ पर एक पूल है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अभी ये खाली है। वैसे तो समर्स टाइम है, तो ऐसी समर्स के अंदर ये पूल अगर भरा रहे तो बात ही अलग होती है, मज़ा बिल्कुल अलग आने लगता है। और अलग से एक जगह आपको मिल जाएगी जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। छोटा सा गार्डन हमने यहाँ पर मेंटेन किया है, जहाँ पर आपके लिए एक झूला है, आप इस चीज़ का पूरा मज़ा ले सकते हैं बैठ के। और बैक पे आप देख सकते हैं जो विंडोज़ हमने अंदर से देखी थी, वो बाहर से भी आपको नज़र आएंगी, पूरे साइज़ की हैं, बड़े बड़े साइज़ की आपको विंडोज़ पूरी मिलेंगी, जहाँ पर आपको टफन ग्लास पूरा मिलता है और प्लस सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और स्विमिंग पूल का मज़ा लेने के बाद अगर आप थोड़ा सा सन बाथ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पर चीज़ लगी हुई है। अलग से हमने एक छोटा सा कैबिन बनाया, जहाँ पर आप शॉवर ले सकते हैं पूल में जाने के बाद। तो काम अच्छे लेवल का आपको यहाँ पर मिल जाता है, अलग अंदाज के साथ, अलग मज़े के साथ आपको पूरा मिलने वाला है। यहाँ से अंदर चलते हैं वापस। तो वापस हम अपने बेडरूम के अंदर आते हैं, जहाँ से फिर हम बढ़ते हैं अपने घर के ऊपर की तरफ। दोस्तों न्यू चंडीगढ़ एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी अच्छे वे के साथ डेवलप हो रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ यह डिज़ाइन हो रहा है, और एक अच्छे लेवल की जेंट्री यहाँ पर आ रही है। आप ये घर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यूजली जो होते हैं कि 500 गज के अगर घर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर रूम्स ही आपको नज़र आते हैं, बाकी चीज़ें नहीं आती। लेकिन यहाँ पे आपको रूम के साथ फर्नीचर नज़र आता है, प्लस प्रॉपर एक इंटीरियर जिसे कहते हैं वॉल के ऊपर है, या फिर जितना भी काम होता है, वो एक अच्छा अंदाज़ वहाँ पर आपको नज़र आता है इस घर के अंदर। तो यहाँ पर हमारी स्टेयर्स आती हैं, जो कि अलग डिज़ाइन के साथ आपको मिलने वाली हैं। आपका जो है टफन साइड पर आपको मिलेगा, ऊपर सीलिंग पर भी अच्छा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, प्लस जो साइड वॉल है उसकी लुक्स आपको बिल्कुल अलग मिलती है यहाँ पर। तो ऊपर आते हैं, सबसे पहले हमारे सामने आता है हमारा स्टडी रूम।
ठीक इसके नीचे हमने देखा था हमारा बाथ रूम था, तो ऊपर आपके लिए जो है स्टडी रूम यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। तो एक तरफ आपके लिए काउच रखाया हुआ है और दूसरी तरफ आपके जो है टेबल आपको मिल जाता है, प्लस आपकी बुक्स के लिए जो है जगह यहाँ पर थोड़ी सी मिल जाएगी। और उसके बाद एक बड़ा सा पैसेज जिसके दोनों तरफ आपको रूम्स मिलने वाले हैं और एक अच्छा लुक आपको आपके घर की मिलने वाली है। अब देखिए ऊपर लैंप्स के साथ इसकी सीलिंग को काफ़ी अच्छे वे के साथ डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बेडरूम की तरफ ले चलता हूँ, हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ घर के। तो यहाँ एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर थीम बिल्कुल अलग शेड के साथ आ जाती, थोड़ा डार्क शेड है। फ्लोरिंग भी आपको यहाँ पर डार्क मिलेगी और ये बिल्कुल वुडन फ्लोरिंग आपको मिलने वाली है। और बेड को मैच किया गया आपके रूफ़ के साथ और रूफ़ के सामने ही आपका जो है टीवी पैनल, तो सेम लुक्स आपकी कैरी होती है सामने की तरफ। और ठीक आपके बेड के इस तरफ एक बड़ी सी विंडो जहाँ पर कर्टन्स आपको बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक मिलेंगे। उससे पहले आपके पास जो है दो सीट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पर चेयर्स का आप पूरा मज़ा ले सकते हैं और अपने इस बेडरूम का भी पूरा मज़ा आप ले सकते हैं यहाँ पर बैठने के बाद। एक अच्छा अंदाज़ हमें यहाँ पर मिल जाता है बैठने का, लुक आप अच्छी मिल जाती है। प्रॉपर 16x19 का बेडरूम हमारे पास यहाँ पर हमें मिल जाता है और बड़ा सा डोर है हमारे पास यहाँ पर जो हमें बाहर ले जाएगा। उससे पहले मैं आपको हमारे जो है ड्रेसिंग एरिया की तरफ ले जाता हूँ। तो ठीक यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है जहाँ पर पूरी प्रॉपर वार्डरोब आपको मिलने वाली है। और ये पूरी आपकी वार्डरोब है जो कि ग्लास फिनिश के साथ है। काफ़ी अच्छी खासी स्पेस हमें मिल जाती है, सेम स्पेस आपको इस तरफ मिलने वाली है। उसके बाद एक बड़ी सी लुकिंग मिरर हमें यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर स्टोरेज के साथ हमें मिलता है। और प्लस इसके साथ हमारा वॉशरूम जो कि अटैच है और बिल्कुल अलग अंदाज के साथ हमें मिल जाता है। ड्यूल टोन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप देखेंगे यहाँ पर शॉवर जो एक आपको ऊपर मिलेगा, उसके अलावा साइड्स पे आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर रेन डांस आपका पूरा होने वाला है इस जगह के ऊपर। और एक अच्छा सिंक हमें यहाँ पर मिल जाता है जो कि फ्लैट सिंक है, तो डार्क शेड के अंदर आपका सिंक है और इसी सेम डिज़ाइन के साथ पैटर्न के साथ आपको जो है यहाँ पर सीट मिलती है। और सीट को हमने थोड़ा सा बैक पीछे की तरफ लगाया गया है ताकि बिल्कुल नज़र आपकी सीधी यहाँ पर ना आए, बाकी जो वॉशरूम है वहाँ पर आपकी नज़रें से ज़्यादा जाएँ। तो थोड़े से आपके स्टोरेज के लिए यहाँ पर हमने एक पॉकेट रखी है और आपके टॉवल्स के लिए एक जगह यहाँ पर हमने थोड़ी सी रखी, हैंगर यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा जो आपका बाथिंग एरिया है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा जहाँ हमने एक कैबिन यहाँ पर बना दिया आपके लिए टफन के साथ, तो ईज़िली आप यहाँ पर अपनी बात ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम वापस अपने बेडरूम के अंदर पहुँचते हैं। विंडो हमने यहाँ पर बड़ी सी देखी थी, उसके साथ हमने एक बड़ा सा हमारा दरवाज़ा देखा था और इस दरवाज़े से बाहर का नज़ारा आप सबसे पहले आपकी जो नज़र है वो पाम ट्रीज़ की तरफ पड़ती है जो आपके दरवाज़ा खोलते ही आपको नज़र आते हैं। उसके बाद जो है आपकी बालकनी जो कि काफ़ी बड़ी है, एक अच्छे लेवल की है और यहाँ पर आप इजीली अगर चेयर्स लगाकर बैठना चाहते हैं, इस सनी डे को एंजॉय करना चाहते हैं तो बहुत आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। आप यकीन मानिए कि चाहे वो समर्स हो या विंटर्स हो, आप यहाँ पर सनलाइट को पूरा एंजॉय करने वाले हैं। तो हमारे इस बेडरूम से हम होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं फिर से हमारा स्टडी एरिया, पर वहाँ से हमारा जो है अगेन एक बड़ा सा बेडरूम जो कि हमारा 16x21 का हमें पूरा मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ी स्पेस हमें हमारे पास है यहाँ पर और इस बेडरूम का पैटर्न आप देख रहे हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल अलग आपके यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। तो एक किंग साइज़ का बेड आपको यहाँ पर पूरा मिलने वाला है जिसके ऊपर एक बड़ा सा कुशन आपको मिल जाता है, मैट्रेस आपको मिल जाता है और इसकी बैक को बिल्कुल अलग लुक्स के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। आप देखें ग्रीन हल्का सा शेड आपको मिल जाता है और बिल्कुल येलो गोल्डन आप मैं इसको कह सकता हूँ, हल्का सा येलो है और हल्का सा गोल्डन कलर भी आपको यहाँ पर बीच में मिल जाता है। तो एक अलग पैटर्न आपको नज़र आता है, दोनों तरफ साइड पर आपको जो है लैंप्स आपको नज़र आएंगे और सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन जिसे कहते हैं एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा कारीगरी नहीं की गई है सीलिंग के ऊपर लेकिन एक अच्छा पैटर्न आपको मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रिप्स आपको यहाँ पर अगेन मिलेंगी क्योंकि हमने जितना भी एसी वाला काम है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज किया हुआ है ताकि आपको हर रूम के अंदर अलग से एसी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और ठीक आपके बेड के सामने आपका टीवी पैनल जहाँ पर आपको लेदर
भी यहाँ पर मिलने वाला लुक्स के साथ आपके आराम से आप यहाँ पर जो टीवी लगाएंगे तो एक अच्छी फीलिंग आपको यहाँ पर पूरी आएगी। अगर नहीं भी लगाएंगे फीलिंग आपको तब भी यहाँ पर पूरी आने वाली है। आपके बेडरूम का जो डिज़ाइन वो बिल्कुल अलग यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्टोरेज आपको पूरी प्रॉपर यहाँ पर मिलेगी, अलग से एक टेबल आपको मिल जाएगा जिसके अंदर ड्रॉर्स आपको मिल जाएंगे, कैबिनेट आपको मिल जाएगा और बेडरूम की स्पेस काफ़ी बड़ी है। तो हमने यहाँ पर आपके लिए जो चेयर्स और टेबल यहाँ पर पूरा प्रॉपर रखा हुआ है, तो हर चीज़ या हर लेवल का काम आपको यहाँ पर पूरा मिल जाता है। विंडोज़ आपको जैसे हमने पहले देखी थी वैसे ही पूरी मिलने वाली है, बड़े साइज़ के साथ एक अच्छे लेवल के साथ। और दोस्तों फ्लोरिंग आपको अगेन यहाँ पर जो है वुडन ही मिलने वाली है और एक अच्छा पैटर्न जिसे कहते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ आपको हर बेडरूम के अंदर मिलती है और डिफरेंट मिलता है हर जगह पर। और यहाँ पर हमारा जो है वार्डरोब्स, तो यहाँ हमारे पास जो है आपके वार्डरोब्स आपको मिल जाएंगे जो कि स्लाइडर्स के साथ है। यहाँ पर स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी, बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक है और मैक्सिमम स्टोरेज आप यहाँ पर कर सकते हैं। और डबल है और एक बड़ा सा मिरर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा जो कि बिल्कुल अलग अलग अंदाज है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा मिरर है और इस मिरर के अंदर एक सीक्रेट वॉल भी है जी। ये गली है जो आपको ले जाती है आपके क्लोजेट की तरफ जी। आपके देखें दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपके पास स्टोरेज ही स्टोरेज है, तो नज़ारे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। मैक्सिमम स्टोरेज जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं अपने वॉशरूम में और जहाँ पर एक अलग लेवल का काम आपको नज़र आता है। आपके लिए एक बाथटब है जो कि डबल है, ईज़िली दो लोग यहाँ पर एक साथ जो है नहाने का पूरा मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डबल सिंक आपको मिल जाएगा एक बड़े पैटर्न के साथ, सॉरी लेंथ के साथ आपको जो है यहाँ पर जो है मिरर्स मिल जाएंगे, लुकिंग मिरर्स मिल जाएंगे, प्लस आपकी जो है एक अलग डिज़ाइन के साथ आपको जो बिल्कुल सिंक के साथ आपके टैप्स आपको मिल जाते हैं, प्लस आपके नहाने के लिए अलग से आपका जो है कैबिन के अंदर आपको जगह मिल जाएगी जहाँ पर आपका रेन शॉवर आपको मिलेगा। यकीन मानिए मुझे इसके वॉशरूम्स वाकई काफ़ी अच्छे लगे और मुझे इतना भी लगता है कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर इस वॉशरूम के अंदर एक बार आ जाया जाए तो शायद जल्दी जल्दी निकलना मुश्किल होता है, चाहे वो सर्दियाँ क्यों ना हो, जो कि हमें कभी मन नहीं करता सर्दी के अंदर अपने वॉशरूम के अंदर जाने का, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो गर्मियों की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास एक दरवाज़ा फिर से आया था जो हमें अगेन हमारी जो है बालकनी की तरफ ले जाता है, तो वहाँ पर हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो वापस हम आते हैं अपने इस पैसेज की तरफ या हमारे कॉरिडोर की तरफ जो हमें वहाँ से इस तरफ ले आता है, जिसके दोनों तरफ हमारे बिल्कुल अलग लुक्स है। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा डाइनिंग टेबल जो हमने नीचे से देखा था, अलग लुक आपको यहाँ से और नज़र आएंगी। तो आप अपने ही घर के अंदर एक बिल्कुल अलग नज़ारा लेने वाले हैं, बिल्कुल अलग मज़ा लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा आगे फिर आते हैं, तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे अपने स्टेज को नहीं यूज़ करना चाहते, लिफ्ट्स के साथ आना चाहते हैं, तो लिफ्ट आपके पास यहाँ पर है जो हमने शुरू में देखी थी, वो सीधा आपको यहाँ पर ले आएगी। और इनकेस लगता है कि आपको आपका गेस्ट जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर नहीं उसको बिठाना है, तो वो यहाँ पर आकर अपने बड़े आराम से मज़े ले सकते हैं। तो उनके लिए लिफ्ट्स यहाँ पर हैं जो उनको सीधा आपके गेस्ट को आपके बेडरूम की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ भी अगेन हमारे पास जो जगह है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, एक अच्छा लुक आपको पूरी मिलने वाली है। यहाँ पर 16x19 की जगह हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है, माफ़ी चाहूँगा 16x14 की आपके पास जगह यहाँ पर रहेगी। एक जगह आपके जो है थोड़ा सा कर्व आ जाता है। फ्लोरिंग हमारे पास अगेन सारी की सारी वुडन पैटर्न के साथ आपको मिलने वाली है। बड़ा सा आपका जो है बेड यहाँ पर मिलेगा, बैक आपको यहाँ पर इनबिल्ट मिलने वाली है बेड की, और फुली फर्निश्ड घर पूरा है। तो हर चीज़ को यहाँ पर दिया गया है, तो कहने का मतलब तकरीबन देखते देखते आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको सिर्फ अपना सूटकेस या कपड़े वो लेकर आने हैं या यूटेंसिल्स लेके आने, उसके अलावा और कुछ आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो कंप्लीट है घर पूरा। और ठीक आपके बेड के सामने आपका टीवी पैनल है जो एक अलग डिज़ाइन के साथ आपको मिलता है, ड्यूल टोन आपको पूरा मिलने वाला है, अच्छी स्टोरेज आपको पूरी मिलेगी। और इस के साथ ही आपका जो है वॉशरूम यहाँ पर आपको मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा साइज़ आपको यहाँ पर वॉशरूम का मिल जाता है। अगेन सीलिंग की हाइट तक आपको टाइल्स यहाँ पूरी प्रॉपर मिलने वाली है, एक अलग लुक आपको यहाँ पूरी मिलने वाली है।
एक अच्छा काम जिसे कहते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ आपको पूरे घर के अंदर यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ से वापस आते हैं इस तरफ और आप अपने बेडरूम का कर्टन हटाएंगे तो अलग मज़ा आपको यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि बालकनी आपके बिल्कुल सामने है। तो चलिए हम बालकनी की तरफ ही बढ़ते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर देख रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग्स यहाँ पर आने लग जाती है। तो शायद मुझे लगता है कि आपको भी वैसी फीलिंग आती है और यहाँ भी आपको मेन एंट्रेंस वाली फीलिंग आपको पूरी आने वाली है। काफ़ी बड़ा खासा दरवाज़ा, आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि इतने बड़े दरवाज़े लगाने एक नॉर्मल काम नहीं होता, क्योंकि 3.5 फीट के बाद जब हमारा दरवाज़ा लगने लगता है तो वहाँ पर आपके कब्ज़े या हर चीज़ को बड़े अलग ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि वो चीज़ें वो नॉर्मल नहीं रहती हैं, नॉर्मल से थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ओपन टेरेस है जिसका हम पूरा मज़ा ले सकते हैं, बड़ी सी बालकनी है जिसका हम पूरा मज़ा यहाँ पर लेने वाले हैं। तो टफन आपको मिलने वाला, साथ में आयरन आपको रेलिंग मिलेगी, उसके साथ सीट्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए लगा दी हैं, क्योंकि आप इस बालकनी का पूरा मज़ा लेंगे ही लेंगे। जी हाँ, और जो हमने नीचे देखा था चॉकलेट डिज़ाइन था, उस स्ट्रिप्स डिज़ाइन, वो आपका यहाँ पर फिर से कैरी फॉरवर्ड होता है, जिसके बीच में आपके कंसील लैंप्स लगे हैं और प्लस जो आपकी ये सीलिंग है इसके बीच में आपको अलग से एक पैटर्न के साथ झूमर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस वॉल को थोड़ी अलग लुक देने के लिए आपके 3D टाइल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ये आपकी जो है बड़ी सी बालकनी वहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर आपके बेडरूम की बड़ी सी विंडो भी आपको मिल जाती है। तो अलग अंदाज़ हमें जो है अपने घर का हर रूम के अंदर मिल जाता है, एक मज़ेदार चीज़ है और मज़ेदार नज़ारा आपके सामने है। और मैं इतना कह देता हूँ दोस्तों, अगर जहाँ बारिश पड़ जाए और आप बिल्कुल रूफ़ पे हो तो आपको यहाँ से जो शिवालिक रेंज है वो पूरी नज़र आती है। तो उसके बाद जो होता है आपका मन यहाँ से कसौली या शिमला जाने का ज़रूर करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही है आपके। तो दोस्तों वापस यहाँ से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबी है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लें या ना लें, इस घर को देखें ज़रूर, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद पहली बार देखेंगे या फिर आप अपनाना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वॉशिंग एरिया, इजीली आप यहाँ पर वॉशिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन अगर यहाँ पर फिट करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगी। उसके बाद स्टेयर्स जो हमें अपने घर के एक अलग लेवल पर ले जाती हैं। जी हाँ, जहाँ पर आपका दोस्तों रहेगा आपका सर्वेंट रूम प्लस वॉशरूम यहाँ पर अटैच आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए जगह है जहाँ पर आपका पूल टेबल यहाँ पर लगा हुआ है, आप इस चीज़ का पूरा मज़ा ले सकते हैं अपने घर के अंदर ही, क्योंकि जिस लेवल का आपको यहाँ घर मिल रहा है वहाँ पर ये चीज़ें होनी लाजमी है, चाहिए भी है। काफ़ी अच्छी खासी जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। और कहने की बात है कि हमने ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम देखा था, उसके बाद 3 बेडरूम देखे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको एक बेडरूम की जगह थी जिसको ख़राब करके हमने इस टेबल को यहाँ पर रखा है, ताकि आपको जो लाइफस्टाइल है बिल्कुल अलग दिया जा सके, क्योंकि रूम्स ही सब कुछ नहीं होते, बेडरूम्स ही सब कुछ नहीं होते। कि अगर हम देख रहे हैं कि बेड है ये हमारे घर के अंदर, तो वो हमारा लग्जरी लेवल ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रूम्स ही रह जाते हैं। हाँ, अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो वो रूम्स काफ़ी मायने रखते हैं, जो कि आजकल बहुत कम होता है। तो काफ़ी अच्छा खासा हमारे पास यहाँ पे कॉरिडोर हमें मिल जाता है, भाभी चाहूँगा हमारा वहाँ से यहाँ तक। और इस जगह का आप पूरा लुत्फ़ उठाने वाले हैं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल अलग आपकी आ जाती है। स्टीम बाथ लेना चाहते हैं, सोना बाथ लेना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। घर के अंदर हर तरह के लेवल आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, प्रॉपर आपको जकूजी स्टीम पूरी यहाँ पर मिल जाती है और प्रॉपर आपके लिए एक वॉशरूम है। तो यहाँ से वापस आते हैं इस तरफ और ये एरिया कुछ अलग है। एक्चुअल में ये जो सारा एरिया आपके सामने सीट्स है, इस तरफ आपको एक बड़ा सा स्क्रीन नज़र आएगा और आपके सीट्स के बैक साइड पे आपके लिए बेड्स भी हैं,
तो कहने का मतलब ये है कि ये एरिया आपके घर के अंदर आपका अपना थिएटर है, तो आप पूरी मूवीज़ का यहाँ पर पूरा मज़ा लेंगे। मैंने अराउंड एक साल पहले किसी को एक थिएटर सेल किया था किसी कमर्शियल प्लेस के ऊपर किसी मॉल के अंदर, तो कि 10.5 करोड़ का था। तो लेकिन यहाँ पर घर के अंदर आपके अपने घर के अंदर वो थिएटर आपको पूरा मिल रहा है। तो अगर आप मूवी डायरेक्टर हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी यहाँ पर मूवीज़ देखने का पूरा शौक़ आप पूरा कर सकते हैं, मूवीज़ का पूरा मज़ा ले सकते हैं, या फिर अपने फेवरेट चैनल्स का यहाँ पर पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो आजकल अमेज़न प्राइम के ऊपर अगर आप अलग से कोई मूवी देखेंगे तो यहाँ पर अलग ही नज़ारा आपको आने वाला है। तो दोस्तों अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, मैं आपको इससे पहले एक ले जाता हूँ हमारे इस दरवाज़े की तरफ, और यहाँ आपके पास लिफ्ट से लेकर सिर्फ से मिल जाएंगी। और ये हमारी ऊपर के फ्लोर की बालकनी, ओपन टेरेस, जहाँ पर आपके लिए बैठने के लिए एक अलग चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हर फ्लोर पे कुछ अलग चीज़ आपको मिल जाती है, हर रूम के अंदर आपको एक अलग चीज़ मिल जाती है। एक ऐसा घर जहाँ पर आपके जो ड्रीम्स है वो तकरीबन पूरे हो जाते हैं। रहने का अलग अंदाज आपके अपने घर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से वापस अंदर की तरफ चलते हैं, सामने तरफ एक घर है, अगर इसके ऊपर की अगर फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ से आपको शिवालिक रेंज जो है पूरी नज़र आने वाली है अगर बारिश पड़ी हो तो। आज बारिश नहीं है लेकिन जिस दिन भी बारिश होती है तो यहाँ पर खड़े होने के बाद आप शिमला या कसौली का टूर करेंगे, ये मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। तो दोस्तों वापस अपने गेमिंग रूम की तरफ, और गेमिंग रूम से हम बढ़ते हैं अपने इस दरवाज़े की तरफ जो हमें ले जाता है हमारी अपनी जिम की तरफ। तो यहाँ पर आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो आपके घर के अंदर आपकी अपनी जिम भी है, तो एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर हर चीज़ आपको पूरी और प्रॉपर वे के साथ मिल जाती है। आप किस चीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं बस आपने सोचना है और वो आपको इस घर के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपकी स्टेयर्स है जो आपको ले जाती है आपकी रूफ़ की तरफ, और रूफ़ पे आप अगर कुछ और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, गार्डन अपना क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे आपके पास जगह यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर जो कि आपने देखा है, बिल्कुल 500 गज के अंदर बना हुआ, वन कनाल के अंदर घर बना हुआ, जिसके अंदर आपका गेमिंग रूम, आपका होम थिएटर, और इसके अलावा जैकूजी, स्टीम, स्टोना बाथ, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके एक लग्जरी लाइफस्टाइल आपको यहाँ पर मिल जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। वीडियो में कोई चीज़ आपको ज़्यादा खास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लिख के ज़रूर बताएं। प्राइसिंग देखना चाहते हैं इस लेवल की या इस लग्जरी घर की तो आप कभी भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए नंबर पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। न्यू चंडीगढ़ एक अच्छी लोकेशन है, डेवलपिंग एरिया है लेकिन पॉश एरिया है, ये आपको बाहर से अंदर तक सारी जगह नज़र आ गया होगा, और एक अच्छे व्यू के साथ एक अलग लुक्स के साथ जहाँ पर आप अपना फ्यूचर एंजॉय कर सकते हैं, आप फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बिल्कुल एक ऐसी लोकेशन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इस वादे के साथ एक और खूबसूरत घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लूँगा आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।